लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर और जीवन में कोई बदलाव नहीं देख पाने के कारण ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिनों में दिखता है, ब्रह्मचर्य में आपको कैसे रहना है, ब्रह्मचर्य रहने के सही नियम क्या है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपके पास पूरा ज्ञान हो। हमसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अपनी बॉडी बनाने का शौक है और एक तरफ मैं हूं और मुझे भी बॉडी बनाने का शौक है, पर आप में और मुझ में एक फर्क है। आप दिन रात अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, आप हर एक वो चीज खाते हैं जिससे आपकी बॉडी बन सके, और एक तरफ मैं हूं, मैं कभी कभार जिम जाता हूं। तो बताइए, इसमें बॉडी आपकी बनेगी या मेरी? आपकी ही बनेगी, है ना? क्योंकि आप रोजाना जिम जाते हो, अपनी डाइट में ध्यान रखते हो, इसलिए आपकी ही बॉडी बनेगी। ऐसे ही ब्रह्मचर्य में भी हमें रहना है, और एक बार अगर ब्रह्मचर्य का पालन आपने कर लिया तो आप में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। पर ब्रह्मचर्य में रहने के लिए आपको जिम बॉय की तरह ही ब्रह्मचर्य का प्रयास करना होगा, नियमों का पालन करना होगा और अपने आप पर काबू करना होगा, तब कहीं जाकर आपको ब्रह्मचर्य का फायदा मिलेगा। इन सभी बातों पर बात करने से पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपके पास पूरा वीडियो देखने का अभी समय नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में देखने के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपके पास आधा ज्ञान रहेगा, और महात्माओं का कहना है कि अधूरा ज्ञान सबसे घातक है। जैसे महाभारत में अर्जुन के पुत्र को चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान था, चक्रव्यूह से बाहर निकलने का नहीं, जिस वजह से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। इसलिए किसी भी प्रकार का अधूरा ज्ञान हम सभी के लिए घातक है। मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक संबंध है। अगर हमारा वीर्य यानी ब्रह्मचर्य में आप रहोगे तो आपका मन शांत रहेगा और आपके प्राण यानी आपके शरीर में आध्यात्मिक बल रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर हम ब्रह्मचर्य में नहीं रहेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा, हमारे प्राण बलहीन रहेंगे और अनेकों बीमारियां आपको होती रहेंगी। अगर हम वीर्य का महत्व समझने लगे तो हमारा जीवन कई समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही पैदा होती है, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य में रहना होगा। हमने देखा है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे बीमारियों से मुक्त होते हैं, वे हर समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे लाखों की भीड़ में भी उन सभी से अलग ही नजर आते हैं। ऐसे कई महापुरुष थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जैसे बजरंग बली, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, प्रेमानंद, गोविंद शरण जी जैसे कई लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन कर अपने जीवन को आध्यात्मिक बल प्रदान कर अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर भगा दिया। विवाहित लोग अगर एक साल ब्रह्मचर्य का पालन करके उसे अपने विवाहित जीवन में उतारें तो उनका पुत्र बलवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होता है। पर मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य को लेकर हमारे समाज की दृष्टि अलग है। मनोरंजन के भावनाओं में वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, इसलिए हमारा मन असंत रहा करता है। पर इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप अभी यौवन अवस्था में हों हैं और इस समय उत्साह रग रग में होता है और चेतना भी रग रग में रहती है। हम नए बच्चों को देखते हैं, उनमें उत्साहहीन दिखता है, जैसे कोई डिप्रेशन में होता है। उनका चेहरा देखकर लगता है कि वह परेशान है। अब ये क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि आंतरिक शक्ति सपोर्ट करने वाली नहीं है। अब हमारा मन हमें बिना बात के फंसा देता है, जैसे आपको किसी से डर नहीं लगता पर फिर भी आपका मन आपको डरा देता है। जैसे आपको कोई शोक नहीं है
पर पुरानी बात को फिर से दोहराकर आपको चिंता में डाल देता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो चिंता में डाल देता है कि सफल होगा कि नहीं, कहीं असफल ना हो जाए, कहीं वैसा तो नहीं हो जाए। ऐसे करते करते हमारा मन हमें अशांत रखता है। और जब हम ब्रह्मचर्य रहते हैं तब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बल है ना आध्यात्मिक। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक बार में नहीं हुआ तो मैं हजार बार प्रयास करूंगा और करके दिखाऊंगा। ये जो जिद्दीपन और निष्ठा है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रोकते हुए चलते हैं, उनके पीछे मैं पावर ब्रह्मचर्य ही है। और हमने हमारा मन वासनात्मक बना लिया जिससे प्राण हमारे स्थूल हो गए और मन हमारा चंचल और अशांत हो गया, क्योंकि हमारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और जो लोग ध्यान देते हैं वह कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने रहने का प्रयास तो किया था पर ब्रह्मचर्य का पालन बार बार टूट जाता है। मैं आपको पहले ही साफ साफ बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में एक बार प्रयास करके कामयाब नहीं होता, पर निरंतर प्रयास करते रहने से वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। आइए इसे गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझता है। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहां जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में ने इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। जीवन प्रबंधन। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। अब आपको समझ गए कि निरंतर एक ही लक्ष्य पर काम करते रहने से आपको एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। इस कहानी में जो व्यक्ति जगह जगह गड्ढे खोद रहा है वह व्यक्ति हम ही हैं, जैसे उस व्यक्ति ने एक गड्ढा खोदा फिर दूसरे दिन हार मानकर, फिर तीसरे दिन उसने एक नई जगह गड्ढा खोदा। वैसे ही आपने ब्रह्मचर्य का पालन एक महीने तक किया और छोड़ दिया, फिर हम अपनी राह से भटक गए या फिर वही काम करने लगे जिसे ना करने की हमने शपथ ली थी। फिर एक दिन हमने किसी का वीडियो देखा या किसी के मुंह से सुना कि एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन कर अपने जीवन के सारे दुखों और बीमारियों से मुक्ति पा ली और अपने जीवन में कामयाब हो गया। ऐसा देख और सुनने के बाद हम फिर से सोचने लगे कि अब हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, है ना? मैंने सही कहा ना? परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिलता है कि हम चार दिन ब्रह्मचर्य पालन रखते हैं और फिर उसी प्रकार उसे छोड़ देते हैं जैसे हमने पहले छोड़ा था। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। हम बार बार उसी व्यक्ति की तरह अपना कार्य कर रहे हैं जैसे वह व्यक्ति जगह जगह गड्ढे खोद रहा था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें निरंतर एक ही काम पर लगना होगा। इससे आपको अंत में सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। हमसे एक बार ब्रह्मचर्य का पालन टूटेगा, फिर से हम प्रयास करेंगे दूसरी बार टूटेगा। हम हमारी गलतियों से सीखेंगे और फिर वो गलती नहीं दोहराएंगे। हमें संकल्प लेना होगा कि मैं जो भी मेरे मन को कहूंगा वो ही मेरा मन करेगा। अगर हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं तो आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिल जाएगी।
ये नियम सिर्फ ब्रह्मचर्य पर ही नहीं लागू होता, अपितु ये हर एक कार्य में सफल होने का राज है। अब मैं आपको ब्रह्मचार्य के कुछ फायदे बता देता हूँ। एक, सुंदरता में वृद्धि। मान्यता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्री हो या पुरुष, उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे। दो, मिलती है लंबी उम्र। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी से परेशान नहीं। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं, ऐसी मान्यता है। तीन, प्रोफेशन में लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले या उसके नियमों को मानने वाले लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके शरीर में हर समय एनर्जी बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है। अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की कला स्वत विकसित होने लगती है। चार, मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद। मान्यता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते हैं। इनका मन बलवान होता है और कायरता इनसे कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी से असर नहीं डाल पाते। सोशल लाइफ में फायदा। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। इसका कारण उनका प्रभावी व्यक्तित्व और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का भाव है। गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव इनके मन में नहीं होते और ये सभी साथ प्रेम से मिलते हैं। इस कारण इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण। ब्रह्मचर्य संभोग से लंबे समय तक संयम बरतने का व्रत है, अक्सर शादी तक। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां व्यक्ति जीवन भर सेक्स से परहेज करने की कसम खाते हैं। उदाहरण के लिए पुजारी या नन। अन्य लोग एक विशिष्ट अवधि जैसे कि कुछ महीनों या वर्षों तक अविवाहित रहने का निर्णय ले सकते हैं, संभवतः जब तक कि वे किसी साथी के साथ रिश्ते में न हो। इसे अनैच्छिक ब्रह्मचर्य माना जाता है। जब कोई व्यक्ति सेक्स के विचार के प्रति खुला होता है लेकिन उसे कोई साथी नहीं मिल पाता है, ब्रह्मचर्य किसे माना जाता है? इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। यह या तो बिल्कुल भी यौन संबंध नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं हो सकता है, या किसी पुरुष के जननांगों का महिला के जननांगों में प्रवेश नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य और संयम के बीच अंतर यह है कि संयम आवश्यक रूप से एक व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति संयमित रहता है, जो प्रवेश के साथ सेक्स से परहेज करने की क्रिया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण। ब्रह्मचर्य का अभ्यास अक्सर धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो अक्सर सेक्स को एक पवित्र गुण के रूप में देखते हैं, जिसका अनुभव केवल एक व्यक्ति के विवाह के बाद ही होता है। एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शादी के दिन तक कुंवारी रहे। कई धर्मों और संस्कृतियों में कौमार्य को पवित्रता और मासूमियत के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। यहीं से सफेद शादी की पोशाक की अवधारणा उत्पन्न हुई। ब्रह्मचारी रहने का निर्णय कैसे लें? यदि आप ब्रह्मचर्य पर विचार कर रहे हैं तो यह निर्णय लेने के लिए कि यह जीवन शैली अभ्यास आपके लिए है या नहीं, विशेषज्ञता के लिए निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि निर्णय आपका है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय आपका है। यदि ब्रह्मचर्य ऐसा कुछ नहीं है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, तो प्रतिबद्ध बने रहना और भी कठिन होगा और बहुत सारे भ्रम, आक्रोश, उदासी और असुरक्षाएं भी पैदा कर सकता है। आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहने का निर्णय लेने से पहले कुछ आत्म मंथन करना सर्वोत्तम हो सकता है। इसे आजमाएं। यदि आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप एक निश्चित अवधि के लिए या शादी तक करना चाहेंगे लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं है, तो आप पहले इसे एक निश्चित समय के लिए आजमा सकते हैं। पानी का थोड़ा परीक्षण करें। आप स्वयं को अविवाहित रहने के लिए एक समय सीमा दे सकते हैं और फिर यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आपके लिए यथार्थवादी लगती है। हर ब्रह्मचर्य की कहानी अलग है।
सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहने का फैसला करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्य तरीकों से यौन रूप से सक्रिय नहीं है। एक व्यक्ति संभोग से बचे रहने का निर्णय ले सकता है, लेकिन सभी यौन सुखों का नहीं। अक्सर यह माना जाता है कि जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं उनके पास अभी भी किसी प्रकार का यौन जीवन नहीं होता है। एक व्यक्ति अपने साथी के साथ ऐसे तरीकों से जुड़ सकता है जिन्हें संभोग नहीं माना जाता है। आपको यह तय करना है कि आप किसमें सहमत हैं या किसमें सहमत नहीं हैं। एक बार जब आप ये निर्णय ले लें तो अपनी सीमाओं को बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। गैर निर्णय का अभ्यास करें। विशेष यौन कृत्यों में भाग लेने का निर्णय लेना ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए शर्म और आत्म आलोचना की भावना पैदा कर सकता है। यही कारण है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं का मूल्यांकन न करें या दूसरों के साथ अपने अनुभवों की तुलना न करें। पूर्ण और शुद्ध होने की एक निश्चित छवि बनाने की कोशिश करना अवास्तविक है। ब्रह्मचर्य का दबाव। ब्रह्मचर्य में बने रहने से बहुत दबाव जुड़ा होता है। आप स्वयं पर दबाव डाल सकते हैं या धार्मिक, सांस्कृतिक या पारिवारिक दायित्वों के कारण बाहरी दबाव महसूस कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अब ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बाहरी प्रभावों को आप ब्रह्मचारी बने रहने के लिए बाध्य न करें। इस प्रकार का दबाव आत्मदोष का कारण बन सकता है। इसे सही कारणों से करें। मूल्यांकन करें कि आप ब्रह्मचर्य पर विचार क्यों कर रहे हैं। यदि यह ऐसा कुछ है जो आपकी एक निश्चित छवि पेश करने या दूसरों को खुश करने के लिए किया जा रहा है तो ऐसा प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए यह स्वस्थ कारण नहीं है। सतही या विनम्र कारणों से ब्रह्मचर्य का चयन न करें। समझें कि चीजें बदल जाती हैं। आपको एहसास हो सकता है कि आप अब ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहते। इस बारे में सोचने का प्रयास करें कि किस कारण से आपने अपना मन बदला और निर्णय लिया कि आप आगे बढ़कर क्या करना चाहेंगे। स्वयं के प्रति सच्चे रहें। बाहरी प्रभावों को आप पर ब्रह्मचर्य तोड़ने का दबाव न बनने दें। अपनी आवाज और विश्वास पर कायम रहना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि वही करें जो आपके लिए सही है। जिस तरह सिगरेट, शराब, ड्रग्स और जुए की लत कैसे लग जाती है हमें पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार एक बार दो बार पॉर्न क्लिप देखने को बाद हम इसके आदि पॉर्न एडिक्शन कैसे हो जाते हैं हमें पता नहीं चल पाता है। हम पॉर्न के आदि हो चुके हैं और इसका कितना नुकसान होता है इसका आंकलन कोई तभी लगा पाता है जब वह उस आदत से निजात पा ले। इन आदतों से निजात पा पाना इतना आसान नहीं। पॉर्न दुनिया की सबसे नशीली चीजों में से एक है। हालांकि यह कोई केमिकल युक्त नशा नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर देखा जाए तो यह ड्रग्स के नशे से भी खतरनाक है। लोग क्षणिक सुख के लिए अपने अंदर की ऊर्जा का दोहन करते हैं और इससे उनकी याददाश्त धूमिल होने लगती है, कमजोरी का एहसास होने लगता है, स्किन कमजोर हो जाती है, दिमाग का विकास रुक जाता है, सेक्स लाइफ इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ऐसे में अगर आप पॉर्न की लत को छोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए रामबाण इलाज है, लेकिन आपको इसके प्रति समर्पण दिखाना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। सच को स्वीकार करें। सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना होगा कि आप पॉर्न एडिक्ट यानी पॉर्न देखने को आदी हैं या नहीं। इस बात को पता लगाने के बाद आपको स्वीकार करना होगा कि हां, आपको लत लग चुकी है और आप कुछ ऐसे कामों में उलझ चुके हैं जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से आपको कमजोर कर रहा है। ऐसे में जब आप इस बात को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेंगे तो आपके पॉर्न की लत को छोड़ने की आगे की राह आसान हो जाएगी। कई बार लोग पॉर्न की आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति विल पावर के कारण उसे छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका समर्पण आपको इससे उबारने में मदद करेगा। पॉर्न ऐसे करें प्रतिबंधित। पॉर्न की लत को छुड़ाने के लिए सबसे पहले आपको पॉर्न से संबंधित सभी चीजों से दूरी बनानी होगी, यानी पॉर्न वेबसाइट, पॉर्न क्लिप्स, पॉर्न वीडियो, न्यूड पिक्चर्स इत्यादि सभी से आपको दूरी बनानी होगी। इसके लिए आप अपने फोन में एंटी पॉर्न सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव में मौजूद क्लिप्स को डिलीट कर दें और पॉर्न साइट्स को ब्लॉक कर दें ताकि आपके दिमाग को पॉर्न का नशा अपनी ओर आकर्षित न कर सके।
खुद को व्यस्त रखें। अपने आप को आप खाली बिल्कुल मत रखें, क्योंकि दुनिया के हर नशे में एक चीज सामान्य देखने को मिलती है, वो है खालीपन। जब इंसान खाली होता है या अकेला होता है तो वह टाइम पास के नाम पर तरह तरह के नशे करता है और पॉर्न देखता है। ऐसे में आप अपने दोस्तों परिवार के साथ समय बिताए या फिर आप फिल्म देख सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अकेल खाली दिमाग के साथ न रहें। सोशल ग्रुप से बनाएं दूरी। पॉर्न देखने का आजकल सबसे आसान जरिया बन चुका है मोबाइल फोन, तो आपको मोबाइल फोन की लत से भी छुटकारा पाना होगा। अगर हो सके तो व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स की उन ग्रुप्स से किनारा कर लें जहां न्यूडिट परोसी जाती हो। ऐसा करके आप अपने दिमाग को उस ओर जाने से रोक पाएंगे। रेगुलर सेक्स करें। पॉर्न की लत लग जाने के कारण लोगों की रुचि सेक्स में कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप पॉर्न एडिक्शन से मुक्ति चाहते हैं और आपके पास विकल्प है तो आप रेगुलर सेक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यह केवल हस्त मैथुन से आपको अलग रखने के लिए है, ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे। बता दें कि सेक्स करना महिला और पुरुष दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एक तरह से यह दिमाग को शांत और फोकस करने में मदद करता है, लेकिन हस्त मैथुन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक और मानसिक रूप से बने मजबूत। पॉर्न की लत से छुटकारा पाने का एक तरीका और भी है। हालांकि यह तरीका बेहद कारगर है, लेकिन इसमें आलसी लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अपने आप को आप किसी शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत के कामों में लगा दें, जैसे आप योगा करें या सीखें, योगा क्लासेस, जिम जाएं, मार्शल आर्ट्स, या फिर आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर, चेहरे और आपके अंदर एक मजबूती का एहसास होगा, तो आप अपनी इस मजबूती को खोना नहीं चाहेंगे और ध्यान से आपका मानसिक विकास होगा और मनोविकार दूर होंगे, तो ऐसे में मानसिक संतुष्टि आपको मिलेगी और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी।